थोड़ा यहाँ का कैमरा देख लीजिए। बता दीजिए जब शुरू करना। सर यू कैन स्टार्ट सर, वी आर ऑल वेटिंग, आई थिंक वी आर ऑल रेडी सर। मैं पीयूष गोयल संकल्प लेता हूँ कि मैं कोविड 19 के बारे में सतर्क रहूंगा और मुझे और मेरे साथियों को इससे जुड़े खतरे को हमेशा ध्यान में रखूंगा। मैं इस घातक विषाणु के प्रसार को रोकने संबंधी सभी आवश्यक सावधानियां बरतने का वचन देता हूँ। मैं कोविड से जुड़े आचार व्यवहार का अनुसरण करने और दूसरों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करने का भी वचन देता हूँ। मैं सदैव मास्क फेस कवर पहनूंगा विशेषकर सार्वजनिक स्थलों पर। मैं दूसरों से कम से कम दो गज की दूरी बनाकर रखूंगा। मैं अपने हाथों को नियमित रूप से और अच्छी तरह साबुन और पानी से धोऊंगा। हम एक साथ मिलकर कोविड-19 के खिलाफ इस लड़ाई को जीतेंगे। जय हिंद। मे आई रिक्वेस्ट आफ्टर दिस प्लेज टेकन ऑल बाय ऑल द GMs एंड DRMs, मे आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल CRB सर टू गिव द एक्शन पॉइंट्स एंड अदर थिंग्स टू हिज ऑफिशियल्स। सर CRB सर, थैंक यू वेरी मच। फ्रेंड्स, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। आज जैसा कि माननीय रेल मंत्री जी ने हम लोगों को ये प्रतिज्ञा दिलवाई, आज ऑनरेबल प्रधानमंत्री ने ये कैंपेन लॉन्च किया है कोविड-19 के लिए, और आप लोगों ने आज उनका एक ट्विटर मैसेज आया है, वो आप लोगों ने देखा होगा, मैं उसको पढ़ता हूँ। लेट अस ऑलवेज रिमेम्बर, वियर ए मास्क, वॉश हैंड्स, फॉलो सोशल डिस्टेंसिंग, प्रैक्टिस दो गज की दूरी, टुगेदर वी विल सक्सीड, टुगेदर वी विल विन अगेंस्ट कोविड-19। ये जो तीन मुख्य मुद्दा प्रधानमंत्री जी ने कहा है, कोरोना से बचें, हाथ धोएं बार बार, सही से मास्क पहनें, निभाएं दो गज की दूरी, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, जब तक वैक्सीन नहीं आ जाता है हमको इसमें कोई ढिलाई नहीं करनी है। ये जो कैंपेन आज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है, इसके बारे में मैंने आपको 4 दिन पहले एक वीडियो कॉन्फ्रेंस लेके बताया था,
और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ये एक फेस्टिवल सीजन शुरू होने वाला है। अक्टूबर और नवंबर के महीने में कई फेस्टिवल पड़ेंगे और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे आ रही हैं कि कोई भी फेस्टिवल शुरू होता है तो उसके बाद ये जो कोरोना की संख्या है अचानक वहाँ पे बढ़ गई, कुछ प्रदेशों में ऐसा हुआ है। और इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना है कि जो ये फेस्टिवल सीजन है इसमें हम पूरा सतर्कता बरतें और इसके लिए कुछ एक्शन प्लान है जो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो सबसे अच्छी एक बात है और कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने कुछ पोस्टर जारी किए हैं और वो पोस्टर आप सबके सीपीआरओज को भिजवा दिए गए हैं। वो दो तरह के पोस्टर हैं। एक पोस्टर ऐसा है कि जहां पे इलेक्शन हो रहा है, जिस स्टेट में इलेक्शन हो रहा है और जहां भी बाई इलेक्शन हो रहा है वहां के लिए एक अलग पोस्टर है और बाकी जगह के लिए दूसरे पोस्टर हैं। ये आप देख लें, ये जो है इलेक्शन स्टेट्स के लिए पोस्टर हैं। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि ये पोस्टर जहां पे भी जिस स्टेट में इलेक्शन हो रहा है वहां पे इस पोस्टर को यूज करें, जिस कंस्टिट्यूएंसी में बाई इलेक्शन हो रहा है वहां भी इसको यूज करें। और दूसरे स्टेट के लिए ये पोस्टर है, बाकी स्टेट ये पोस्टर यूज करेंगे। ट्रेनों में सतर्कता बरतें, अगर कोई ट्रेन इलेक्शन स्टेट या इलेक्शन कंस्टिट्यूएंसी से गुजर रही है तो उस पर वो नॉन इलेक्शन वाला ही पोस्टर लगाएं। तो मेरा जीएम और डीआरएम से अनुरोध है कि ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दें, इसमें किसी तरह का कोई शिकायत का मौका ना मिले और ये वाले पोस्टर इसको सावधानी से यूज करें और जहां भी कुछ भी कंफ्यूजन है उसको नॉन इलेक्शन स्टेट वाला उसको यूज करें उस ट्रेन में, अगर कोई ट्रेन इलेक्शन स्टेट से जा रही है। तो ये कुछ एक्शन प्लान है जिसपे कि आप लोगों को एक्शन लेना है। उस दिन भी मैंने डिटेल में बताया था, फिर से मैं दोहरा देता हूँ कि ये सारे जितने पोस्टर हैं इनको आप ट्रेन में डिस्प्ले करें, स्टेशन पे डिस्प्ले करें और जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम है हमारे जितने भी स्टेशन पे, कुछ ट्रेनों में भी पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, वहाँ भी इसको आप लगातार उस पब्लिक एड्रेस सिस्टम पे इसको यूज करें। कुछ जिंगल और कुछ छोटे छोटी कविताएं भी आपको दी जाएंगी, उनको भी आप लोग पब्लिक एड्रेस सिस्टम पे चलाएं। वैसे ही जहां पे भी वीडियो लगे हुए हैं जिस स्टेशन पे या ट्रेन में अगर कोई वीडियो सिस्टम है तो उस पे इसको वीडियो डिस्प्ले करें, एलईडी स्क्रीन जितने लगे हुए हैं उस पे इस मैसेज को डिस्प्ले करें। ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन सीआरएस को दिए गए हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक रिजर्वेशन स्लिप आती है, जो पैसेंजर रिजर्वेशन का स्लिप आता है उस पे भी ये मैसेज प्रिंट होगा। सोशल मीडिया पे सारे जोनल रेलवे, डिविजनल रेलवे, जीएम और डीआरएम इसका ध्यान रखें, सारे सीपीआरओ इसका ध्यान रखें कि सोशल मीडिया पे इसके बारे में एक पूरा कैंपेन चलाया जाए। जितने भी पैसेंजर्स हैं और रेलवे एम्प्लाइज हैं जिनके की टेलीफोन नंबर बल्क एसएमएस भेजे जाए इस बारे में। और ये कुछ एक्शन प्लान है जो जिसके की ये पूरी लिस्ट आपको भेज दी गई है। इसके बारे में मुझे बस ये कहना है कि आज ऑनरेबल मिनिस्टर ने हमको जो प्रतिज्ञा दिलाई है, आप लोग सारे जीएम डीआरएम प्रिंसिपल हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट ब्रांच ऑफिसर, आज के दिन ये सभा खत्म होने के बाद आप लोग डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉइज को ये प्लेस दिलाइए और हमारा ये एक टारगेट होना चाहिए कि हमारे जो 12 लाख एम्प्लॉई हैं और उनके सब फैमिली मेंबर हैं वो इस प्लेज को लें और जब हम उनके उनको ये प्लेज दिलाएं तो ये जो सावधानियां बरतनी है उसके बारे में उनको जरूर थोड़ा शिक्षित करें। और जो चीज़ें, तीन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, एक तो मास्क पहनने के लिए, मास्क पहनने के लिए जब भी आप उनको कहें तो उनको ये भी शिक्षा दें कि सही ढंग क्या है मास्क पहनने का, नाक और मुंह दोनों ढका रहना चाहिए, खास करके जब आप बात कर रहे हैं उस समय आपका मास्क मुंह के ऊपर होना चाहिए। ये गलतियां काफी लोग कर रहे हैं तो ये एक बताने की जरूरत है, सबको शिक्षित करने की जरूरत है कि जब भी आप बात करें, और ये बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए कि जो हमारे अधिकारीगण हैं वो सबसे पहले अपने आप को सुरक्षित रखें और उसके बाद से जो उनके टच में आ रहे हैं, जो उनके एम्प्लॉइज हैं या रेलवे पैसेंजर हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए प्रयास करें। तो
तो अगर हमें दूसरों को सुरक्षित रखना है तो सबसे बड़ी चीज है कि पहले हम अपने आप को सुरक्षित रखें, और ये जो भी है मास्क पहनने का सही तरीका, ये अगर आपके कॉन्टेक्ट में कोई भी आता है तो आप तुरंत उनको बताएं कि मास्क पहनने का क्या सही तरीका है और कैसे मास्क पहनना चाहिए। दूसरा, जो हाथ धोना है, बार बार हाथ धोना है, उसके लिए भी हाथ धोने का सही तरीका आप शिक्षित करें, क्योंकि ये जरूरी है कि 20 सेकेंड तक जो साबुन है वो आपके हाथ पे रहना चाहिए, उसके बाद ही उसको पानी से धोना चाहिए। तो ये सब शिक्षित करने की जरूरी है। 2 गज दूरी की जो बात है वो करें। उसके बाद से जो हम लोगों के रेलवे के लिए आता है, वो हम आप देख रहे होंगे कि फेस्टिवल सीजन में पैसेंजर ट्रेन की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। मैंने पहले भी आपसे अनुरोध किया था, CPTM और यहाँ पे PED कोचिंग, ये लोग डेली बेसिस पे जो रिजर्वेशन की स्टेटस है उसको मॉनिटर करें। क्रिस्प कुछ आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक रिपोर्ट जनरेट करके दे रहा है, जिससे कि आपको पता चलेगा कि किस सेक्शन में क्या ट्रेंड चल रहा है। और हमारी पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम डेली बेसिस पे डिसीजन लें, और इस तरह से डिसीजन लें कि किसी को वेटिंग लिस्ट का सामना ना करना पड़े। जो यात्री इस फेस्टिवल सीजन में, इस कोरोना के समय में यात्रा करना चाहते हैं, हम उनको रिजर्व्ड सीट दे पाएं, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। हमें पता है कि इस समय लोग यात्रा वैसे भी बहुत कम कर रहे हैं और बहुत जरूरी होने पर कर रहे हैं, तो ये रेलवे का दायित्व बनता है कि इस कोरोना के समय में हम इस तरह से प्लानिंग करें कि हम सबको रिजर्व सीट दे पाएं। और जो हमने सावधानियां बरत रहे हैं, जो बरतनी है उस पर कोई ढील ना आने दें। समय के साथ साथ कभी ऐसा होता है कि सावधानी में ढील आ जाती है, तो जो सावधानियां हम बरत रहे हैं, स्टेशन पे सोशल डिस्टेंसिंग रखने का, और केवल जिनके पास रिजर्व टिकट है वही लोग उसमें जा सकते हैं, और वहाँ पे जो सैनिटाइजेशन, हैंड सैनिटाइजेशन का अरेंजमेंट है, जो हम टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, इन सब में एक तरह से और तेजी लानी होगी। स्पेशली फेस्टिवल के टाइम पे ये बहुत जरूरी है कि हम उस पर पूरा पूरा ध्यान रखें। और एक चीज और मैं बताना चाहूँगा कि जो रेलवे स्टेशन है, 7000 रेलवे स्टेशन पूरे भारतवर्ष में हर जगह फैला हुआ है, और भारतीय रेलवे की आउटरीच काफ़ी है, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपने एम्प्लाइज को, उनके फैमिली को शिक्षित करें, जो यात्री हमारे स्टेशन पे आ रहे हैं उनको शिक्षित करें, जो हमारे कस्टमर गुड्स ट्रैफिक के लिए आ रहे हैं उनको भी शिक्षित करें, और हम अपने नीचे के लोगों को बता के रखें कि जो स्टेशन के आसपास के लोग हैं, जो आसपास के जो गांव में लोग रह रहे हैं उनको भी शिक्षित करने की कोशिश करें। ये एक जो ऑनरेबल प्रधानमंत्री ने नेशनल कैंपेन लॉन्च किया है, उसमें मेरा आपसे अनुरोध है कि जो भारतीय रेल परिवार के सदस्य हैं, चाहे वो एम्प्लाई हैं चाहे उनके परिवार के सदस्यगण हैं, वो पूरी तरह से इस कैंपेन में जुड़ें, और आने वाले दिनों में इस कैंपेन को अपने अपने स्तर पे, अपने अपने जगहों पे, लोकल लेवल पे इस कैंपेन को चलाएं, और इसको सोशल मीडिया पे प्रचारित करें, और इसका एक रिपोर्ट अगर आप डेली यहाँ पे EDIP को भेजें तो उसको कंपाइल करके हमको मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को भेजना है, तो वो एक अच्छी रिपोर्ट आप लोग डेली बेसिस पे सिस्टम बना लीजिए, और EDINR उसको अपलोडिंग की, कुछ फोटो अपलोडिंग की भी फैसिलिटी दे रहे हैं, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए इस कैंपेन को पूरी तरह से सक्सेसफुल बनाने में हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। और बॉटम लाइन यही है कि हम सबको और हमारे सारे परिवार के सदस्यगणों को सुरक्षित रहने के लिए शिक्षित करना है, खुद को पहले सुरक्षित रखना है, और हमारे कॉन्टैक्ट में जो लोग भी आ रहे हैं, चाहे वो हमारे एम्प्लॉइज हैं, चाहे पैसेंजर्स हैं, चाहे कस्टमर हैं, चाहे हमारे आसपास के रेलवे स्टेशनों के आसपास के गांव के लोग हैं, उन सबको शिक्षित करके और एक ही अभियान चलाना है कि हम सब इस कोरोना जैसे संकट में, कोरोना जैसे महामारी से हम सब अपने को सुरक्षित रखें। धन्यवाद। थैंक यू सर MR सर। सर मे वी कंक्लूड दिस मीटिंग सर? एक मिनट, मैं बोलने नहीं वाला था पर मुझे ऐसे ही बैठे बैठे थॉट आया है। एक तो जो इलेक्शन की बात कही कि इलेक्शन स्टेट, उसके साथ जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में बाई इलेक्शन है उधर भी वही पोस्टर यूज होगा, वो भी ध्यान रखना, क्योंकि काफ़ी जगह बाई इलेक्शन भी है, असेंबली के भी और एक लोकसभा का भी बाई इलेक्शन, तो वो पोस्टर ठीक से यूज हो, किधर हम चुनाव आयोग के निर्णय का उल्लंघन ना करें।
बिकॉज एक ट्रेन जा रही है, ट्रेन गुजर रही है एक जगह से, तो उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, पर बिहार में चुनाव होने के कारण बिहार में जो ट्रेन गुजरती है उसमें तो दूसरा पोस्टर चुनाव वाला यूज करना। बाकी सब कुछ चेयरमैन ने बहुत अच्छी तरह सुनाया, मुझे बैठे बैठे एक ध्यान आया और मुझे लगता है ये हमारा चैलेंज हो सकता है। ये कोई हमारी जॉब नहीं है, जो हम कर रहे हैं ये देशभक्ति का काम है। ये कोई हमारे को इसके लिए ग्रेडिंग होगी या हमारे को कोई अवार्ड मिलेगा वो नहीं है, पर हम सब देशभक्त हैं, हम सब की जिम्मेदारियां हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ये बेसिकली एक देश के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी। आप सब पढ़े लिखे हैं, आपके परिवारों को अच्छी तालीम मिली, एजुकेशन मिली, अच्छा जीवन मिला है, घर मिला है, तो हमें समाज में प्रिविलेज वर्ग से आते हैं। कई लोग हैं जिनको इसकी जानकारियां पूरी तरीके से नहीं रहती हैं, तो एक प्रकार से हम ये जानकारियां समाज के हर वर्ग तक पहुंचाएं, खुद भी पालन करें, मित्रों को हमारे संबंध में जो भी आते हैं उन सबसे पालन कराएं। ये दायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सामाजिक दृष्टिकोण से करेंगे तो दिल से आएगा। अगर चेयरमैन ने कहा है या पीएम ने कहा है उस हिसाब से करोगे सिर्फ तो बर्डन लगेगा। चॉइस आप सबका है, इसको बर्डन के रूप में देखना या हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरा आपसे आग्रह है कि इसको हमारा एक दायित्व के रूप में देखा जाए। चेयरमैन अगर आपकी अनुमति हो तो एक मेरे को थॉट आया, हम काफी टाइम से सोच रहे हैं कि रेलवे की जो ताकत है इसका कैसे प्रचार पूरे देश में हो और हम मिल जाएं तो हम कितना बड़ा बदलाव कर सकते हैं देश में। उस ताकत को आकलन करने का एक हम सबके पास ये मौका है। मैं मानता हूं कि हमारे 12-12.5 लाख सभी एम्प्लॉयज के पास साधारणतः परिवार में एक तो स्मार्टफोन हो गए, बाई चांस नहीं हो तो आसपास के कोई मित्र क्या हो या कोई रेलवे के कलीग के पास हो। क्या चेयरमैन हम ये कोशिश कर सकते हैं और इसी बहाने से हमारे सब रेल कर्मी भी और उनके परिवारजन सोशल मीडिया से भी जुड़ जाएंगे कि हमारे सब लोग कोशिश करके एक मेहनत करें। 18,000 ऑफिसर हैं, सब लोग 100-100 लोगों को करते हैं तो भी 18 लाख हो जाते हैं। Am I right or wrong? कुछ कैलकुलेशन में गलती तो नहीं कर रहा हूँ शैलेशा जी? बिल्कुल ठीक है सर, सही है सर। तो अगर हम सब अपने पूरी टीम को प्रोत्साहित कर सके कि हर एक को और आधा मिनट लगता है 30 सेकेंड्स ट्विटर ज्वाइन करने, 30 सेकेंड्स इंस्टाग्राम, 1 मिनट फेसबुक ज्वाइन करना बड़ा साधारण सरल है। एक तो हम इसी बहाने उन सबको ज्वाइन करवाएं और सबको प्रोत्साहित करें कि वो अपना एक वीडियो रिकॉर्डेड मैसेज या कुछ टाइप्ड मैसेज कुछ ना कुछ उस पर पोस्ट करते हैं। हो सकता है पहले दिन 20-25,000 मैसेज होंगे और हम एक कॉमन हैशटैग रोज सुबह शायद निकलेगा। अनुज है क्या कॉल पे? रविकांत पता कर लो, एक रोज सुबह कॉमन हैशटैग होगा, आज का मैंने देखा नहीं है। उस हैशटैग के ऊपर सब लोग लिखे और एक और हैशटैग बना ले साथ में, रेल परिवार देश के साथ या रेल परिवार, सिर्फ इतना ही सिंपल, रेल परिवार हिंदी में या इंग्लिश में जितने भी आपको करना है, हिंदी कर ले देश भर में या इंग्लिश भी करे चलेगा, नहीं तो साउथ कोर्ट का प्रॉब्लम है। एक जो नेशनल हैशटैग है और एक रेल परिवार हैशटैग, अगर कोई ट्रैकमैन है उसका लड़का भी उस पर अपलोड कर दे रेल परिवार, हम सबके बच्चे, हम सबके परिवारजन, हम सब स्वयं, मैं भी एक मैसेज रोज रिकॉर्ड कर दूं वीडियो में या ट्वीट पे या फेसबुक पोस्ट लिख के या इंस्टाग्राम पे कोई फोटो या वीडियो डाल के। तो आप सोचिए 7वें दिन तक, पहले दिन तो शायद 20-25,000 हो सकते हैं हम लोग मेहनत करें तो, 7वें दिन तक हम 18 लाख पोस्ट रेल परिवार के नाम पे डाल सकते हैं। और एक बहुत समय से हम जो साधन ढूंढ रहे थे कि साधन से हम हमारी बातों को प्रचलित करें, इतने सारे अच्छे काम आप कर रहे हो। कल क्या 26% फ्रेट में वृद्धि हुई है,
कोई मजाक है? कौन कर रहे हैं? आप लोग ही कर रहे हो ना सर। 16% है ग्रोथ 7 दिन की, पहले 7 हफ्ते की। मुझे लग रहा है हम पक्का 20% ग्रोथ के ऊपर जाएंगे इस महीने। 15 से 20, फिर 20 से 25, ये सिलसिला निरंतर चले जाएगा। इस प्रकार से हम सब एकजुट होके इसमें लगे हैं, लगन के साथ। पर इसका प्रचार होगा, लोग देखेंगे रेल परिवार कितना अच्छा काम कर रहा है। तो अगर आपको उचित लगे तो एफर्ट ट्राई करते हैं, हमारे सब CPROs और ADRMs को इसकी जिम्मेदारी दी जाए। दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग एंड मेकिंग दिस हैपन एट द डिविजन, जोन एंड सेंट्रल लेवल, अगर उचित लगे आपको। धन्यवाद। बिल्कुल ठीक है सर, इसको करेंगे सर। थैंक यू सर। एनी कमेंट निवेदी सर? दिस इज अ वेरी गुड आइडिया, हैशटैग आइडिया ऑफ रेल परिवार इज वेरी गुड, एंड एटलीस्ट फॉर द वी आर इमीडिएटली आफ्टर योर दिस वी आर गोइंग टू हैव आवर ओन फंक्शन, एंड पर्टिकुलर आई वांट टू कंसंट्रेट ऑन द लोअर ग्रुप सी एंड ग्रुप डी एम्प्लॉइज हु फॉर्म द बल्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर फैमिली मेंबर्स। होपफुली सर वी विल सक्सीड सर। चौधरी या और कोई जीएम तो बोलना चाहे? सर हम लोग एक चीज और नहीं कर रहे हैं सर, जो आपने शायद मिस किया है सर, वी आर ट्राइंग टू कैप्चर द पैसेंजर्स आल्सो, सो आवर स्टेशन स्टाफ विल हैव होल स्मॉल शपथ टेकिंग समारोह आज और आगे से सर, 10-12 जितने लोग भी जुड़ेंगे 5 मिनट में सर, अगली बार दूसरे जुड़े को जोड़ेंगे, जो भी रेलवे स्टाफ RPF PCs पैसेंजर को जोड़ने में मदद कर सकते हैं, केटरिंग, गुड आइडिया, ब्रिलियंट, सिग्नेचर कैंपेन वेरी गुड आइडिया, पहले चलाए थे जी। देखिए आपके परिवार में कितनी कैपेसिटी है चेयरमैन। थैंक यू सर, करेंगे आप लोगों से अनुरोध ये है, आप लोगों से अनुरोध ये है कि आज, जी सर, आप लोगों से अनुरोध ये है कि जो भी ये फ्लैग सेरेमनी आप लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, शाम तक एक रिपोर्ट भेज दीजिए, अगर 3 बजे तक भेज दें हमको ये रिपोर्ट, एक कंपाइल करके भेजनी है कि चेयरमैन 14 दिन तक तो आपको रिपोर्ट ही नहीं लगेगी, वो रेल परिवार ही रिपोर्ट बन जाएगी। जी सर, लेकिन आज शाम को एक रिपोर्ट भेजनी है सर। रोज आ रहे दो, और इसके वजह से फ्रेट ना गिर जाए प्लीज, वो ध्यान रखना, फ्रेट का निरंतर ग्रोथ होते रहे। सर फ्रेट का बिल्कुल ग्रोथ हो रहा है सर, आज 3.35 मिलियन टन है, और मुझे सारे सब लोग महाप्रबंधक और DRM बैठे हैं, बस एक चीज ये बोलनी है कि इसको हमें अब 3.5 टू 4 के ब्रैकेट में लेके जाना है, और परसों हम एक मीटिंग प्लान कर रहे हैं, जोन वाइज देखेंगे, और मैंने इसको जो एनालाइज किया है अभी सर, स्कोप है सर, हम डेली 4 मिलियन टन की तरफ जाएंगे सर, और जो पिछले साल हमारी अर्निंग थी उससे कम से कम मुझे लग रहा है सर 20% एक्स्ट्रा अर्निंग अभी हमको दिखने लगी है, और जिस तरह से भारतीय रेल के अधिकारी काम कर रहे हैं हम उससे भी ज्यादा लेके जाएंगे। कंसल सर, ये जो शपथ आपने हमको आज दिलवाई है सर, सर मेरे पास ये मैसेज कल आ गया था सर, इसमें मैंने रात में सर 12 बजे अपनी आवाज में इसको एक शपथ के रूप में रिकॉर्ड करके, अब तक सर मेरे पास में हर एम्प्लॉय को ये मैसेज मेरा आज शाम तक पहुंच जाएगा सर, शपथ के रूप में जा रहा है सर। तो आप उसको पूरे सभी रेल में डाल दो ना, आपका वेस्टर्न रेलवे में क्यों, ट्वीट भी कर दो उसको, इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी डाल दो, हम सब रिट्वीट करेंगे, आप भेज दो हम भी रिट्वीट कर देंगे। मैं डालता हूं, धन्यवाद, शुभकामना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, ओके, थैंक यू सर। अभी मैंने को ये बोला कि हमने अपनी आवाज में रिकॉर्डेड मैसेज भेज दिया है, तो उन्होंने बोला कि आप उसी को ट्विटर में और उसमें